सोलन नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। 120 सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित करके उनके मेहनताने को बढ़ाया जाए ताकि वे अपने और अपने परिवार का उचित पालन पोषण कर सकें। सोलन नगर परिषद में स्वच्छता कर्मचारी अपनी नियमित व वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। 120 अस्थायी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कई कई वर्ष इस कार्य को करते हो गए हैं, लेकिन ना तो उन्हें उनके काम का उचित वेतन मिलता है, ना ही उन्हें स्थायी तौर पर रखा जा रहा है। स्वच्छता कर्मियों का कहना है कि वे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी नियमित व उनके वेतन में वृद्धि नहीं की जाती। स्वच्छता कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 10 वर्ष से अधिक का समय साफ सफाई के कार्य को करते हो गया है, लेकिन आज तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। निजी हाथों में ही उनकी बागडोर है। उन्होंने कहा कि उन्हें मात्र 8,000 रुपए वेतन दिया जाता है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता है। इन कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, तब तक वे सोलन में साफ सफाई का कार्य नहीं करेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद अधिकारी पर उन्हें अनपढ़ और गंवार कहने का भी आरोप लगाया। सर्विस करते हैं, करते करते 14-15 साल हो गई हैं। ना तो हमारे को डेली वेज पर कर रहे हैं, ना ही हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं। जब हम मांगे पूरी करने को बोलते हैं कि हमारा कुछ हमारा करो, तो सीधा कहते हैं कि जी बाहर जाइए, आप दूसरे बंदे रख लेंगे। तो इसका मतलब सर हमारी कोई वैल्यू इज्जत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे को 8,000 सैलरी देते हैं, ये 8,500, उसमें हमारा दूध भी है, पानी भी है, राशन भी है, लेना भी देना भी, तो सर उसमें हमारा गुजारा कैसा होएगा? मांगी क्या है आप? हमारी मांगे ये है कि जी हमारे को डेली वेज पे किया जाए, 15-15 साल के नौकर हैं हम। जब तक ये डेली वेज पे हमारे को नहीं करेंगे, तब भूख हड़ताल पर हम बैठे रहेंगे। काम करता हूँ सेल्स के थ्रू, और हमारे को आज कम से कम 14-15 साल हो चुके हैं, और ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। बस हमारी अपील ये है कि 8,000 की सैलरी में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, कम से कम इनको सैलरी भी 18-19 हज़ार रुपये या 15,000 रुपये हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को रेगुलर किया जाए। और इन्होंने जो हमारे को आप सब कहे हैं कि अनपढ़ गवार कहा है हमारे को, ईओ साहब ने हमारे जो ईओ साहब हैं, इन्होंने हमें अनपढ़ का मतलब वो कहा है कि अनपढ़ गवार कहा है हमारे को। तो इतनी महामारी में, कोरोना वायरस के इसमें, पहले सम्मानित किया हमारे को, मालाएँ डाल के, फूल डाल के लोगों ने सम्मानित करा, अब हमारे को जूते मार रहे हैं, यानी कि जूते सम्मानित कर रहे हैं हमारे को। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे को कहा है, तो हम उस चीज़ पे खड़े होते थे, देखो अनपढ़ लोग हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, पढ़े लिखे होते तो हम कूड़ा नहीं उठाते, हम अपने घर में बैठते, और जो मांगे नहीं पूरी करेंगे जब तक हमारी, हम ऐसी प्रदर्शन करते रहेंगे। स्थानीय निवासी व समाज कार्यकर्ता मनोज रघुवंशी भी इन कर्मचारियों की मांग को लेकर इनके साथ धरने पर बैठे हैं। मनोज रघुवंशी ने बताया कि इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। हमने कल से लेके ये कूड़े वाले सफाई कर्मचारी सभी लेके सफाई का कार्य कर रहे हैं। 15-15 वर्ष इनको कार्य करते हुए हो गए हैं, और ये इनको ना पक्का किया जा रहा है, एक सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी के थ्रू इनको रखा गया है। हमें ये 8,000 रुपये सैलरी दिए जा रही है। 8,000 सैलरी में आप देखिए कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है 8,000 की सैलरी में। तो हमारी यही मांग है, इनको पक्का किया जाए, जो 15-15 साल 10-10 साल हो गए हैं जिनको, उनको पक्का किया जाए, और बाकी जो है एक एक दो दो साल वाले उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाए। ये हमारी मांगे हैं, हम प्रशासन से चाहेंगे कि ये मांगों को पूरा किया जाए और इन पे कार्यवाही हो। और हम कहना चाहेंगे, कल एक बड़े अधिकारी ने हमें अनपढ़ कहा गया, अनपढ़ गवार कहा, हम हैं अनपढ़ गवार, आज तभी ये काम कर रहे, कूड़ा उठाने का काम कर रहे, अनपढ़ गवार नहीं होते तो कोई अफसर लगे होते। ये देखिए, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अपनी मर्यादा में रहे, और अनपढ़ गवार अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता कि हर व्यक्ति को आप अनपढ़ गवार कहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।